हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट एंड द ऑप्शंस आर कॉर्क लाइक स्टोमाटा बट लेंटिसल्स कैरी योर ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी पेसल सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू फ्लोएम, ऑप्शन सी सीव ट्यूब एलिमेंट प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लिया एंड ऑप्शन डी द शूट एपिकल मेरिस्टम हैज अ क्विसेंट सेंटर। सो पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं, इसका की कंसेप्ट है डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट है डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर। डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर, अब ये हम लोग देखते हैं प्लांट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑप्शंस। सो पहला ऑप्शन बात कर रहे हैं कॉर्क के बारे में, कॉर्क, कॉर्क को ही हम लोग बोलते हैं फेल्लम, कॉर्क का ही दूसरा नाम है फेल्लम, फेलम। और ये कॉर्क या फेलम ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, सो दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और एक आउटर साइड में बनता है। सो कॉर्क कैम्बियम से ही कॉर्क का फॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स आउटर साइड, टूवर्ड्स आउटर साइड, आउटर साइड। तो जो कॉर्क होता है ये डेड होता है, कॉर्क इज डेड, इट इज डेड। इसके साथ साथ में ये इम्परमिएबल होता है, डेड, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। तो ये इम्परमिएबल क्यों होता है? तो इम्परमेबल होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सुबरिन, सो इम्परमेबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबरिन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबरिन। अब जैसे कि बताया गया कॉर्क जो है कॉर्क कैम्बियम से बनता है फ्रॉम द आउटर साइड टुवर्ड्स द आउटर साइड, सो आउटर साइड में जो है एपिडर्मिस फट जाती है और वहां पे लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं, तो आउटर साइड हैज लेंटिसल्स, आउटर साइड हैज लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। ये एक तरह के पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन गैसेस एक्सचेंज, लेंटिसेल्स पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन गैसेस एक्सचेंज, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। सो ये तो बात हुई कॉर्क की। हम लोग फर्दर बात करते हैं पैसेज सेल की, हम लोग बात करते हैं पैसेज सेल की, पैसेज सेल। सो पैसेज सेल प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस में, इट इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। और जैसे कि कॉर्क हमारा सुबेराइज था तो ये अनसुबेराइज्ड होता है, जो पैसेज सेल्स होते हैं ये थिन वॉल्ड, अनसुबेराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अनसुबेराइज्ड होते हैं, मतलब इसे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो ये अनसुबेराइज्ड होते हैं। आज ये किसमें हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, helps in transportation of the movement of water, helps in movement of water, movement of water में help करते हैं। movement of water में help करते हैं ये, वैसे सर movement of water में help करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी passage cell की। अब हम लोग बात करते हैं further sieve tube की, now we'll talk about sieve tube। सीव ट्यूब क्या होता है? तो सीव ट्यूब एक कंडक्टिंग एलिमेंट है, ये कंडक्टिंग एलिमेंट है इन एंजियोस्पर्म, कंडक्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म। और सीव ट्यूब में एक बहुत ही खास बात है एंजियोस्पर्म कि सीव ट्यूब लिविंग तो होता है,
बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सो लिविंग तो होता है बट डज नॉट हैव न्यूक्लियस। सो लिविंग होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सो इसका न्यूक्लियस का काम करता कौन है? डज नॉट हैव न्यूक्लियस। सो इसका न्यूक्लियस काम करता कौन है? तो ये एसोसिएटेड होता है विद कंपेनियन सेल, एसोसिएटेड विद कंपेनियन, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, और उसका न्यूक्लियस से ही इसका काम होता है। टाइगर प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने में मदद करता है, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, और उसी के न्यूक्लियस से इसका काम होता है। सो ये तो बात हो गई सीड ट्यूब की। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता है, बट इसमें जो है साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल ऑल्सो, साइटोप्लाज्म भी होता है, वैक्यूल भी होता है। ये तो बात हो गई सीड ट्यूब की। अब हम लोग फर्दर बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम की। शूट एपिकल मेरिस्टम, तो शूट एपिकल मेरिस्टम टर्मिनल होता है फंक्शन में या पोजीशन में, टर्मिनल इन पोजीशन होता है। सर क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ें तो प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट करेक्ट बोल रहा है। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, कॉर्क लाइक स्टोमाटा बट लेंटिसल स्कैरियोट ट्रांसपिरेशन। तो ये गलत बात है, कॉर्क तो हमारा डेड होता है, इसमें भी जो है किसी टाइप की गैस एक्सचेंज कॉर्क के थ्रू नहीं होता है, तो सही बात है। बट कॉर्क बट लेंटिसल स्कैरियोट ट्रांसपिरेशन नहीं, तो ट्रांसपिरेशन नहीं कैरी करता, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो हम लोग देखा जाए तो ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ऑप्शन है पैसेस इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू फ्लोएम। सो फूड ट्रांसफर में पहली बात तो ये हेल्प नहीं करता है, सो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी बोला सीव ट्यूब एलिमेंट प्रोसेसर साइटोप्लास्ट बट नो न्यूक्लियाई, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन डी में बोला शूट एपिकल मेरिस्टम हैज पुशन सेंटर, तो शूट एपिकल मेरिस्टम में पुशन सेंटर नहीं होता बट कि रूट एपिकल मेरिस्टम में होता है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट प्रोसेसर साइटोप्लास्ट बट नो न्यूक्लियाई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।